अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, की हाल चाल है? तो देखो ना। भाई आज हम आ गए हैं फिर से एक नई पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ। और भाई ये वीडियो मतलब मैं बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा यार बनाओ 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 वीडियो बनाओ, पबजी की वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं वीडियो, क्योंकि मैं गेम प्ले अच्छी करता हूँ कभी कभी। तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसे सीन कलेक्ट हो जाएंगे तो भाई लगा दूंगा पबजी में कोई वीडियो। तो भाई आज आ चुके हैं हम लिविक में नए मैप के साथ। लेकिन भाई आज जो ऐसी ऐसी गेम प्ले होने वाली, मतलब आहा ऐसी ऐसी गेम प्ले बने तो आज तक तो उन्होंने कभी देखी नहीं होगी, किसी ने यूट्यूबर ने नहीं बनाई होगी जो आज बनाई है। मतलब जो मार खाते हैं ना वो वाली नहीं बनाई होगी, तो इसलिए मैं आज वो वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो हमें हमेशा लिविक इसलिए खेलता हूँ क्योंकि लिविक छोटा मैप है, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि लोग जल्दी जल्दी फाइट करते हैं, मतलब जल्दी टफ फाइट्स होती हैं। मिड सीन में उतरो, यहाँ पावर प्लांट में उतरो, कहीं भी उतरो, कैब जहाज कोई भी ऐसी जगह हो, वहाँ हमेशा एक स्क्वाड या दो स्क्वाड पर आते रहते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसी अच्छी फाइट्स लगती हैं, जल्दी जल्दी फाइट होती है, जल्दी जल्दी मैच खत्म हो जाता है। रेंगल भी अच्छा लगता है, लेकिन रेंगल में क्या होता है मतलब बहुत भारी होती है, उसमें ये करो वो करो उतरो, फिर वहाँ लूट करो, फिर बंदे ही नहीं मिले, फिर गाड़ी ढूंढो, गाड़ी नहीं मिले तो फिर काम ख़राब हो जाता है। खैर आ गए हम पावर प्लांट, और यहाँ तकरीबन दो तीन स्क्वाड उतरते हैं और उनमें से एक तो मैं मारता हूँ, और जो भाई ऐसा ऐसा मारता हूँ तो देख के खुश हो जाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे शॉटगन मिलती है, और शॉटगन भी भाई साहब मतलब ये वाली मिलती है, ये वाली मेरी फेवरेट शॉटगन है, ये हाथ लग गया है। यहाँ पर सामने एक स्क्वाड आता है, मैं इनमें से एक बंदे को नॉक करता हूँ, दो नॉक करते हैं। अब यहाँ देखते हैं नॉक कैसे होंगे। चल मेरा पुत्र छुट्टी काल। लेकिन भाई मेरे साथी ही काम देखना है, इतना देखना है। फिस्ट, एक्सीलेंट वर्क। तब बेस्ती का मकाम है उसके लिए, फिस्ट से मारा है, फिस्ट। एक्सीलेंट वर्क, नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो काम किया है मेरे साथी ने, मतलब मैं आई एम प्राउड ऑफ हिम, लिटरली मैं चुम्मा देने का दिल कर रहा। अब यहाँ पर पीछे से एक स्क्वाड आता है, उसको मैं मारने कोशिश की थी और मर भी गए थे। अब देखना है साथ गोलियां ले गया, मैं क्या नेक्टर की थोड़ी गोलियां ले गया, इसलिए जैसे मैं मार रहा हूँ। वॉच आउट, हेल्प, आई एम बीइंग सराउंडेड। तू मैं आप तू मेरे लेवल लाइव बंदा नहीं है, तू मेरे लेवल लाइव बंदा, तू मुझे मारेगा कैसे भाई? मस्त, मतलब ऐसी ऐसी जो स्क्वाड पुश वाइप होती है, जो भी बोले वो होती है, ऐसा ऐसी ऐसी स्क्वाड वाइप होती है, मतलब मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर बीच मैच में मेरा कोई ग्लिच हो गया। अब ग्लिच पता नहीं कैसा अजीब सा ग्लिच था, पहली बार तो देखा, मैंने पहली बार देखा ये, वैसे मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो रिकनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन मैंने रीस्टार्ट कर दी गेम और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किल बच गए और मैं फिर से गेम के लिए। ओके, तो सामने एक स्क्वाड था, स्क्वाड था तकरीबन यस तीन लोग का स्क्वाड था, तो वहाँ पर हम रश करने जाते हैं, मेरे साथी को मार देते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ उनको मारने की। तकरीबन के दो, एक मार फिनिश करता हूँ, एक को मारता हूँ, लेकिन आखिर में जोन जो है ना, मतलब उसकी वजह से जोन में फाइटिंग कर सकता हूँ, तो उसकी वजह से मार दिया। लेकिन आखिर में यहाँ पर एक बॉट नज़र आता है, इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ। तो सामने स्क्वाड हाउस में एक बंदा होता है, फिनिश, नो फिनिश। मैं जब भी कोई ऐसा करता है ना काम, मैं उसको ये बोलता हूँ, नो फिनिश। आई एम रियली सॉरी, मैंने भी यही किया, नो फिनिश, नॉट अ प्रॉब्लम। भाई अब यहाँ मैं रुकता हूँ मैं अपने साथी का बदला लेने के लिए, लेकिन एक दो मारता हूँ उनमें से एक मार देता है मुझे, क्योंकि मैं अब लेवेन्यू तो नहीं हूँ ना कि मैं अपना पूरा स्क्वाड वाइप करूँ, कभी कभी तुक्का लग जाता है, कर देते हैं। तो सामने एक डीपी वाला मार सकता था, लेकिन उसका जेन नहीं मारा और मैं बच गया, और मैं हील की ओर में थोड़ा पैनिक हो गया था यहाँ,
लेकिन रील के और मैंने अपने आप को मतलब बोला नहीं भाई मारना है इनको। अब वो सीधा दोनों रश करने आते हैं, जोन भी आ रहा होता है, अब देखना सीन क्या होगा यार। एक मारा, एक ने मार दिया। क्या करे बंदा, मेरा स्कोप खोल गया, मैं गायरोस्कोप इधर उधर घूम गया। चलो तो खैर होता है, गेम है। अगले मैच में हम जाते हैं मेड साटीन। मतलब मेड साटीन भी अच्छा है और ड्रॉप की जगह है, और लेकिन यहाँ पर एक बंदा भी नहीं आता, बहुत दुख होता है मुझे। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं जुनून खा के मैं लोगों के पास सामने जाता हूँ कि हाँ भाई नज़र आ जाए आसमान में, लेकिन कोई नज़र ही आता है यार। दुखी के साथ फिर अंदर घर में जाकर मैं लूट करता हूँ, लेकिन फिर एक बॉट मिलता है, उस बॉट को हम मारते हैं। बॉट को मारते हैं, ऐसा मज़ा आता है ना इसका बॉट को। तो सामने अब एक बंदा था जो M7 से मारा था एक बॉट को, या प्लेयर को पता नहीं किसको मारा था, लेकिन हमने कहा चलो भाई चलो चढ़ जाओ उसके ऊपर। तो मेरे साथी गाड़ी लेकर आए और हम उस बंदे पे लेट्स गो रश रश की चल। और ये भाई हो जाता है वाइप वाइप। यहाँ पर तकरीबन सामने दो स्क्वाड होते हैं और शायद वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम बीच में हमको शायद थर्ड पर, तो शायद वो दो फाइट कर, लेकिन एक में से स्नेक बन के बैठे थे सामने स्नेक। पबजी वाले को पता नहीं अजीब से मेरे साथ एक दुश्मनी, जब भी मैं कोई स्क्वाड वहाँ वाइप करता हूँ यहाँ पर कोई भी बंदा मारता हूँ तो बस ये बोलते हैं बस अगला टाइम दे रहा है मरने का। अलग यार अजीब आ रहा, पीछे से ये कोई जीपी वाला बंदा है, ये बड़ा गंदा थे पता नहीं क्या था, लेकिन गलती मेरी थी। मेरी गलती मैं तुम्हें बताऊँ कि कभी ऐसे रश करना हो जाओ कि तुम लोग उनको लोकेशन नहीं पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, तुम डायरेक्ट उन पर जाओ आगे बिना खुलेआम से, तो ये गलत है। जब भी ऐसा करो तो गलत कर रहे हो, तो पहले हमेशा इनकी जगह पता करो फिर आगे जाओ। अभी देखना इसमें क्या होगा, आखिर में तभी नज़र आता है जब उन्होंने माने करता है। और यहाँ पर एक और तो भी मैंने स्मोक नहीं किया, दबा रहा था लेकिन पैनिक हो गया और मर गया। इंतकाल और मर गया। दूसरे मैच लगाते हैं, दूसरे मैच में भी आते हैं, लेकिन यार यहाँ आ जाते हैं मेरे मैसेजेस और इसकी वजह से मेरा साथी बेचारा शहीद हो जाता है। आई नीड अ मुझे पता है वो दिल से मुझे गालियाँ दे रहा होगा, लेकिन क्या करें यार, गलती मेरी नहीं थी, गलती मेरे मैसेजेस। लेकिन तब भी मैंने जो आ रहे थे रश करने, हम बच गए, अपने साथ पूरी तरह शहीद नहीं हुए। लेकिन फिर आगे जाके यार इन्होंने मैसेज नहीं, मैंने इतना परेशान कर दिया था, मैं पैनिक हो गया पूरा। और यहाँ पर मैंने बीच में मैसेज खोल भी दिया और यहाँ बच गया मैं पता नहीं कैसे। Can only be one winner. Let's go. तो मैं आ गया यहाँ पर और इस जगह पर भी जहाँ मैं मारा था पहले और पहले वाले मैच में, और यहाँ पर एक स्क्वाड था, तीन थे उनमें से दो सोलो थे और एक स्क्वाड था। तो यहाँ ये जो घर है यहाँ पर ऑलरेडी दो बंदे फाइट कर रहे थे, एक बहुत गंदा कैंपर था, मैंने बस बिना देखा
ये डायरेक्ट मारा तो मुझे लगा ये दोनों साथ में थे। और ऊपर वाला लेट गया, वो लेट गया मतलब कैंपिंग कर रहा था, तो मैंने जिसने जैसे मैंने ये ढंग की आवाज़ सुनी तो नीचे मैंने गोली लगी ऊपर मैंने रश किया नीचे भाग दिया डर के मारे। लेकिन बड़ी पहले मौत मरता है ये भी बड़ी राम मौत मना है के नाम देखो काम देखो, इसलिए बोला है कि नाम भी वैसा रखो जैसे तुम काम कर रहे हो। अब ये वेक्टर वाला देखो उसका नाम नोट कर लेना। अब ये पता नहीं कैसे मारा था इसने, मैंने इसको पहले फायर दी थी लेकिन इसने अब मैं इसके बाद रश करने गया, अब देखना ये होता क्या है। ये रश करने गया मैं ऊपर गया, उसने सिर्फ 4-5-10 पता नहीं कितनी मारी और मैं मर गया पता नहीं कैसे। अब ये शुरू वाली गोलियाँ देखो, पहले शुरू वाली गोलियाँ मैंने मारी तो ये लगी नहीं, जब तक ये वाइट वाला एरो नहीं आता ना ये बीच में तो इसका मतलब उसको गोली नहीं लगी। और शुरू में मैंने फायर की उसको गोली मतलब डैमेज ही नहीं दिया, ये क्या होता है दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल।